दोस्तों कंप्यूटर सीरीज़ की ये पांचवी वीडियो है। पांचवी वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लगातार देख पा रहे होंगे कि हर रोज़ हम कंप्यूटर के करीब 8-10 क्वेश्चन लेते हैं और वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि आप जो अलग अलग परीक्षाएं हो रही हैं जिनमें आप अपीयर होने वाले हैं, उनमें कंप्यूटर से आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। आज की शुरुआत करते हैं, कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, इस सवाल से। विच प्रिंटर इज़ नॉर्मली यूज्ड इन डेस्कटॉप प्रिंटिंग। चार प्रिंटर्स के नाम दिए हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। इसमें से डेस्कटॉप प्रिंटिंग में किसका यूज़ होता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर के थ्रू डेस्कटॉप प्रिंटिंग का पूरा काम किया जाता है, क्योंकि इंकजेट या डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से वो पॉसिबल नहीं है। लेज़र जेट से बटर पेपर में आप पूरी प्रिंट लेते हैं, फिर उस बटर पेपर के थ्रू ऑफसेट के डेस्कटॉप में हम उसको पूरा का पूरा काम प्रिंट आउट के रूप में आउटपुट ले पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन अ कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू अ कीबोर्ड। किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक से कुंजी पटल के विपरीत होता है। आप ये चार ऑप्शंस देख रहे होंगे। चार ऑप्शंस है, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, माउस और प्रिंटर। इनमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कीबोर्ड के विपरीत काम करता है, कीबोर्ड का जो फंक्शन होता है उसके विपरीत काम करता है। तो आप एक एक करके अगर इसको देखेंगे तो जॉयस्टिक भी एक तरह से कीबोर्ड ही होता है। कीबोर्ड का जो फंक्शन होता है वही फंक्शन हम जॉयस्टिक में भी यूज़ करते हैं, ट्रैकबॉल में भी वही काम यूज़ करते हैं। माउस भी एक तरह से हमारा कीबोर्ड का ही काम करता है, कीबोर्ड के फंक्शन जैसे हम ऑपरेट करते हैं माउस से भी वही काम हम लेते हैं। प्रिंटर एक नया चीज़ हो गया जो इन सब की तरह काम नहीं करता। प्रिंटर एक आउटपुट को देता है हमको, इसलिए हम अगर चार जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सबको ऑड वन आउट करना हो तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी में हम इसका टिक लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वीडियो में, ये वही क्वेश्चंस हैं जो बीते सालों में अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो व्यापम की परीक्षा हो, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, चाहे वो CGPSC का हो, या फिर दूसरे स्टेट PCS हो, या टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, इस तरह से अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हीं में से लिए गए क्वेश्चन पेपर हैं। क्वेश्चन पेपर से सीधे हमने उसको स्कैन करके लिया हुआ है, इसलिए आप इन प्रश्नों को पूरी गंभीरता से देखें और इनकी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यंत सामान्य प्रकार डैश सॉफ्टवेयर है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। ये डैश जो है यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ये चार ऑप्शंस में से, कम्युनिकेशन, सिस्टम, एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग। तो इस ब्लैंक स्पेस पे आएगा सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो फिलअप्स आपका दिया हुआ है उसमें आपका आ जाएगा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द ऑड वन आउट। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो अलग है, तीनों से जो अलग है, बाकी तीन एक किसी एक तरह से एक ही प्रकार के हैं, चौथा चीज़ जो अलग है, तो आपको उस अलग को, ऑड वन को आउट करना है। ए है एक्सेस, बी है यूनिक्स, सी है डॉस, MS-DOS और डी है विंडोज़ 2008। एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, MS-DOS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और यूनिक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, मगर एक्सेस इनमें किसी में सॉफ्टवेयर की श्रेणी में, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए हम अगर ऑड वन आउट करेंगे तो हमको एक्सेस को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड डॉस इज द एबिलिटी टू स्पीड अप मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशन, रन अ प्रोग्राम। विंडोज और डॉस, ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं आपके, उनका मुख्य अंतर क्या है, इनमें क्या मुख्य अंतर है, किस तरह की क्षमता का मुख्य अंतर है, स्पीड अप का, मल्टीटास्किंग का, कम्युनिकेशन का या फिर रन अ प्रोग्राम का। ये चार में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं डॉस की बात करता हूं तो ये सिंगल यूज़र सॉफ्टवेयर है, और अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो ये मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है। तो सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र टास्क है, अलग अलग तरह के टास्क इस पे किए जा सकते हैं,
तो जो अंतर है वो टास्किंग का है, मल्टीटास्किंग। विंडोज और डॉस के बीच में जो डिफरेंस है वो मल्टीटास्किंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विथ न्यू नेम एट न्यू लोकेशन वी कुड यूज डैश कमांड। मौजूदा फाइल को नए नाम से नई जगह पर संरक्षित करने या सेव करने के लिए हम किस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं सेव, सेव एज, सेवन रिज्यूम, सेवन एग्जिट। जब कोई फाइल एज इट इज़ हमको सेव करनी रहती है, जो है जैसे हमने जो छोटा मोटा चेंजेस किया और कर दिया, तो हम उसको सेव के नाम से सेव कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, कंट्रोल एस दबाते हैं, वो फाइल वहाँ पर सेव हो जाती है। लेकिन उसी फाइल को हमको अगर नाम बदल करके सेव करना है, भले वो फाइल एज इट इज़ सेव करना हो हमको, उसमें कोई चेंज ना किया हो, लेकिन हमको उसका नाम बदल के सेव करना हो, तो हमको सेव एज यूज़ करना पड़ता है। सेव एंड रिज्यूम में वही बात है, आप एज इट इज़ कुछ नया आपने जो फाइल है उसमें चेंज किया, फिर आगे बढ़ गए। सेव एंड एग्जिट में आप क्या करेंगे, आपने फाइल में जो भी चेंज करना है फाइल को में चेंज किया, उसके बाद बाहर आ गए आप। तो ये दोनों नहीं आएंगे, ये बिल्कुल नहीं आएगा। सेव एज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी में आपको टिक लगाना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। एक शॉर्टकट के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फार्मूला में सेल एड्रेस डॉलर एस ए फोर का अर्थ है, डॉलर का जो साइन है उसके साथ ए फोर को यूज़ किया है, ये किस लिए काम आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास चार हैं, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, रिलेटिव सेल एड्रेस, मिक्स्ड सेल एड्रेस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये तीन पहले चेक करना है, अगर ये तीन में से नहीं है तो फिर आपको इसको टिक करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए डॉलर ए फोर जो है वो मिक्स्ड सेल एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी पे जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट से रिलेटेड है। विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच साइड ऑफ ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इट इज़ यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स? स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, स्लाइड डिज़ाइन। आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, स्लाइड सॉर्टर। किस पावर पॉइंट व्यू में प्रेजेंटेशन का हर स्लाइड थंबनेल जैसा दिखता है और स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने में इसका इस्तेमाल होता है, तो स्लाइड सॉर्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्लाइड शो तो कंप्लीट स्लाइड का शो होता है, एक तरह से प्रेजेंटेशन है। स्लाइड मास्टर में जो एक स्लाइड में आपने जो डिज़ाइन बना दी वो सारे स्लाइड्स में चलता है, और स्लाइड डिज़ाइन में आप डिज़ाइन जो बदलते हैं वो कहलाता है। तो ये इस तरह से अलग अलग ऑपरेशन है, अलग अलग यूज़ हैं इनके। अगला सवाल, NCSA, उसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, इसके द्वारा 1992 में विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है। द वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय NCSA, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस इन 1992 इज़, ये चार ऑप्शन है आपके पास, ओपेरा, नेटस्कैप, मोज़ेक और फायरफॉक्स। तो आपको इन्हीं में से आइडेंटिफाई करना है कि 1992 में NCSA ने कौन सा वेब ब्राउज़र डेवलप किया था। इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन वो है मोज़ेक, MOSAIC। ये मोज़ेक 1992 में NCSA ने डेवलप किया था एक वेब ब्राउज़र के रूप में, उसका पूरा नाम था MOSAIC, मोज़ेक। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। इसमें आपसे पूछा ये गया है कि निम्न में कौन सा पेज रैंक एल्गोरिथम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस पेज रैंक एल्गोरिथम। एक तो ऑप्शन याहू है, दूसरा बाइदू है, तीसरा गूगल है, चौथा नन ऑफ दीज है। याहू, बाइदू, गूगल और उपरोक्त में से कोई नहीं। पेजरैंक एल्गोरिथम का जो काम करता है वो काम गूगल करता है। ये काम गूगल का होता है कि आपके पेज को रैंक करे और रैंक करके जो सर्च इंजन है उसमें प्रोवाइड करे कि कौन से रैंक पे या कहां पर इसकी पोजीशन होनी चाहिए। तो पेजरैंक एल्गोरिथम का जो पूरा का पूरा काम है वो गूगल के थ्रू होता है। आपका जो ऑप्शन सी है वही करेक्ट ऑप्शन होगा, इधर उधर से आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन सी में टिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे वीडियो के 10 सवाल जिसमें हमने डिस्कस कर लिए
कि आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं या इनके करेक्ट आंसर्स छांट सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि इसी तरह से आप इन वीडियोस के थ्रू अपने एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प लें और जो बीते हुए सालों में क्वेश्चंस आए हैं उनका एक कलेक्शन तैयार कर लें, उन कलेक्शन के बेसिस पे आपके साथ कुछ इंटरेक्शन करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस काम के लग रहे होंगे और इसी तरह आप हमारे चैनल पर उनके वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।